हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निकुंज और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से नागपुर इन्फो में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज मेरे साथ में मौजूद एक ऐसी सुरीली आवाज़ जिन्होंने अपने गानों से काफ़ी बेहतरीन गाने गाए हैं और अपने सुरीली आवाज़ से पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर राज किया है। जी हाँ, मेरे साथ में आज मौजूद है पूजा गायतोंडे जी, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, नागपुर इन्फो में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नागपुर आ जा पाए हो, कैसा लग रहा है नागपुर आके आपको? मुंबई से कम ठंड है यहाँ पर, मुंबई में है काफ़ी हद तक ठंड और बहुत अच्छा लग रहा है एज़ यूजुअल। हमेशा काफ़ी बार आती हूँ ताजबाग दरगाह में, उर्स में हाजिरी पेश करूँ, मेरी खुश नसीबी है ये, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे नागपुर पहले से ही। आज आप नागपुर आए हो किस चीज़ के लिए? आज आप नागपुर में मौजूद हो? साउथ सेंट्रल जोन ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है सूफी और गजलों का, तो उस सिलसिले में मैं आज परफॉर्म करने वाली हूँ। अभी 14 साल हो गए मुझे इस फील्ड में और मतलब 10 साल की उम्र से शुरू किया था और बस चल रहा है, ऊपर वाले का करम है, गुरुज और वालदेन का आशीर्वाद है। क्यों सोचा ऐसा कि मैं सूफी ही सॉन्ग गाऊंगी? ऐसे सोच के नहीं किया था कुछ, लेकिन मेरी रूह की जो रुझान है वो उस गायकी की तरफ है, क्योंकि उसमें एक अलग वज्द है, एक अलग, जैसे अगर आपको वर्ड्स, काफ़ी बार ऐसे होता है कि वर्ड समझ में नहीं आता है, लेकिन उसमें कुछ पावर ऐसी है जो कनेक्ट करती है लोगों को, वो आपको असल की तरफ खींचता है, जो रूहानियत है, जो स्पिरिचुअलिटी है। जैसे ये तो मुस्लिम मतलब में सूफ़ी कहा जाता है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि मौला शब्द आने से सूफ़ी बन जाए। कबीरदास की कोई भजन भी सूफ़ी ही है, मीराबाई जी की भजन भी सूफ़ी ही है। तो इन शॉर्ट क्या है कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो रूहानियत का मामला है, वो एक ही है, सिर्फ उसे नाम अलग अलग दिया है बस। सूफ़ी में तो मेरे पसंदीदा गुलकारों में से दो हैं गुलकार, एक गुलकारा है बेगम आबिदा परवीन साहिबा और एक है तो उस्ताद नुसरत खां साहब। तो मैं समझती हूँ और हाईली इंस्पायर्ड मेरे गुरु उस्ताद मुनव्वर मासूम साहब से। से होता है और जो एंड है वो रंग से होता है, तो रंग सुनाती हूँ जो हजरत आमिर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर गुरु पीर निज़ामुद्दीन औलिया जी के लिए लिखा। जाते जाते नागपुर इन्फो के दर्शकों से आप क्या कहना चाहोगे?
आज हो सके तो ज़रूर आइए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। 6:30 बजे का प्रोग्राम है और दुआएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ऐसे म्यूज़िक सुने। थैंक यू।